मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा माफियाओं को दी गई चुनौती के बाद अब राजगढ़ जिले का प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। जिले के ब्यावरा शहर के अंजनी लाल रोड पर ब्यावरा एसडीएम रोशनी वर्धमान के नेतृत्व में प्रशासन के द्वारा मंगलवार को अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 10 ट्रैक्टर जब्त कर ब्यावरा सिटी थाना परिसर में खड़े किए गए हैं। ब्यावरा एसडीएम रोशनी वर्धमान ने मंगलवार को अपनी टीम के साथ बिना रॉयल्टी के रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों को ट्रॉली सहित जब्त किया है। यहाँ पर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन भी होता है, तो यहाँ पे लोग लाकर बेचते हैं बिना रॉयल्टी के काली रेत, उसको जब्त किया है। तो आज कितने ट्रैक्टर जब्त करने की कार्रवाई की और किस तरह की? 10 ट्रैक्टर जब्त किए। अच्छा, अब इस पर क्या कार्रवाई होगी आगे? इसका जो भी है माइनिंग का केस बनाकर कलेक्टर से फॉरवर्ड। मैम, लगातार इस तरह से कई बार पहले भी कार्रवाइयाँ हुई है, तो अब क्या लगेगा कि बार बार इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन कार्रवाई होगी जारी रहेगी आगे? बिल्कुल।